तो दुर्गा, आज दुर्गा जी पूजा का दिन है। तो दुर्गा का मतलब क्या है? दू का मतलब है कठिनाई और गा का मतलब है जाना। तो जिसके पास जाना कठिन है उसे दुर्गा बोलते हैं। तो ये देवी हैं दुर्गा। और जीव जो है अगर भोगना चाहता है तो ये जो है अपने त्रिशूल से उसको जो है कष्ट पहुंचाती हैं। तो दुर्गा का ये मतलब है, उनके हाथ में त्रिशूल है और वो त्रिशूल नहीं दिखाई पड़ता है। और जो कोई जीव जो है अगर उनको भोगना चाहता है तो आगे बढ़ता है। और जो त्रिशूल है वो तीन प्रकार के कष्ट उसको प्राप्त होते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाता, इसलिए उनको दुर्गा कहा जाता है। गा का मतलब जाना और दुर माने कठिन। तो जैसे कि चित्र दिखाया जाता है महिषासुर। महिषासुर एक असुर है, भैंसा के रूप में असुर है। और वो जो है दुर्गा को जो है भोगना चाहता है और दुर्गा अपना त्रिशूल जो है उसकी छाती में मार रहे हैं। तो प्रत्येक जीव की स्थिति अगर देखा जाए तो इसी प्रकार की है। भौतिक संसार में जितने भी जीव आए हैं तो भगवान की सेवा को छोड़ के आए हैं, तो स्वतंत्र रूप से भोगना चाहते हैं। और स्वतंत्र रूप से जब भोगना चाहते हैं तो जो दुर्गा देवी हैं वो जो है उसको दिखाई पड़ती हैं कि ये जो है मैं भोग सकता हूँ, मैं भोगूँ इनको, है ना, आकर्षक रूप, है ना। लेकिन वो है माया। तो माया का मतलब है माँ माने नहीं, या माने जो जो नहीं है वो माया है। तो वो भोगने की वस्तु नहीं है, दुर्गा जी भोगने की वस्तु नहीं है, है ना। लेकिन जीव उसको भोगना चाहता है तो उसको क्या मिलता है? कष्ट प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जैसे पतंगा, तो पतंगा जो है आग को देख करके सोचता है कि ये भोगने की वस्तु है, उसकी चमक दिखाई पड़ती है, मैं भोगूं इसको, और बहुत तेज़ी से वो आग में जाता है और चला ही जाता है, आग में चला ही जाता है, है ना। और जब आग में चला गया तो अब जो है अब निकलना संभव नहीं, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसी प्रकार से भौतिक संसार में जो जीव भगवान की सेवा से विमुख होकर के स्वतंत्र रूप से भोगना चाहते हैं उनको बार बार मृत्यु प्राप्त होती है। तो बार बार जो मृत्यु प्राप्त होती है ये वही स्थिति है। पतंगा आग में जाता है और उसको मृत्यु ही प्राप्त होती है, फिर और कोई दूसरा उपाय नहीं है, मरना ही है उसको। और वो सोचता है कि मैं मुझे भोगना है, लेकिन उसको मरना ही होता है, भोगना नहीं, भोगना संभव नहीं है। तो ये दुर्गा हैं। फिर इनका एक नाम वैष्णो देवी है, वैष्णवी, है ना। तो ये परम वैष्णवी हैं, भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं और शिव जी की पत्नी हैं। तो शिव जी जो है परम वैष्णव हैं। तो वैष्णवा नाम यथा शंभु, तो शिव जी जो है वैष्णव में जैसे सर्वोच्च हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से जो दुर्गा देवी हैं ये वैष्णवी में सर्वश्रेष्ठ हैं। जब इन्होंने दक्ष के घर में जन्म लिया, दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया, तो सती नाम से जन्म लिया था और दक्ष की 16 पुत्रियों में सबसे छोटी पुत्री के रूप में जन्म लिया था। और इनका विवाह शिव जी से हुआ था, है ना। लेकिन आगे चल कर के दक्ष ने जब शिव जी का अपराध किया और शिव जी ने इन्हें कुछ घटना नहीं बताई कि क्या घटना हुई जब अपराध किया था, तो सती तो उस समय सभा में नहीं थी और शिव जी ने कुछ बताया नहीं। आगे चल कर के दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में सब देवता लोग जा रहे थे, अपनी अपनी पत्नियों के साथ जा रहे थे। तो सती की बड़ी इच्छा हुई कि मैं अपने पिता के घर जाऊं,
और शिव जी ने बताया कि उचित नहीं है जाना, क्योंकि मेरे कारण अब तुमसे भी वो द्वेष करने लगा है। तो सती को जो है सब बातें समझ में नहीं आई, क्योंकि शिव जी ने पूरी बातें समझाई नहीं थी। तो शिव जी की आज्ञा के बिना ही वे अपने पिता के घर गईं, और जब पिता के घर गईं तब उनको दृश्य दिखाई दिया कि सचमुच ये कैसा दृश्य है कि शिव जी का उसमें भाग था ही नहीं उस यज्ञ में। और तब सती को जो है पूरी बात समझ में आई कि जो मेरा पिता है ये शिव जी से द्वेष करता है, और वो परम वैष्णव हैं, और परम वैष्णव जान करके भी ये हम शिव जी से द्वेष करता है। तो ये देवी जो है अपना शरीर छोड़ देती हैं ये कह करके कि तुमसे जो मुझे शरीर प्राप्त हुआ है उसका मैं त्याग करती हूँ, क्योंकि तुम मेरे पति जो परम वैष्णव हैं शिव जी उनसे द्वेष करते हो। तो इसमें कितनी ऊंची भावना है, बहुत ऊंची भावना है, शरीर से ऊपर उठी हैं। तो भौतिक शरीर से वो ऊपर उठी हैं, हैं, और शरीर को इस प्रकार से त्यागती हैं जैसे कोई उल्टी कर दे, कोई गलत भोजन अगर खाया है ना, आपको पता चल गया कि कुछ गलत भोजन खाया है और वो तो जो है जहर पैदा कर देगा, तो आप उल्टी करने की कोशिश करते हैं कि उल्टी कर दूँ, ये तो बेकार की चीज़ है। तो उसी प्रकार से सती को जो है मतलब ये महसूस हुआ कि ये वैष्णव से द्वेष करने वाला जो मेरा पिता है और इसका दिया हुआ शरीर मुझे मिला है, तो ये शरीर भी दूषित है क्योंकि इसके शरीर से मेरा शरीर बना है, क्योंकि इसने इसने अपने को बहुत दूषित कर दिया है, ये जो है अपराध से बहुत दूषित है, तो इसका दिया हुआ शरीर मुझे नहीं रखना है, मैं छोड़ दूँ। तो जैसे कोई चीज़ है गलत चीज़ होती है तो फेंक देते हैं, उसी प्रकार से शरीर को छोड़ दिया, अपना शरीर ही छोड़ दिया, है ना। अब इतना कौन कर सकता है, इतना कौन सोच सकता है, अपने को शरीर से इतना अलग करके उस शरीर त्याग दिया, है ना, और अपनी इच्छा से फिर दूसरे पिता को स्वीकार किया, दूसरा पिता जो कि शिव जी से द्वेष ना करे, तो हिमालय की पुत्री हुई, हैं, पार्वती कहलाएं, और फिर इनका विवाह शिव जी से हुआ। तो इन्होंने जो है शरीर छोड़ते हुए शिव जी का जो है स्मरण किया कि मुझे जन्म जन्म में यही पति प्राप्त हों, शिव जी ही मेरे पति हों, जन्म जन्म में मेरे यही पति हों। इस भावना से शरीर छोड़ा तो जो है उनका अगला जो जन्म हुआ तो उस जन्म में फिर से शिव जी उनको पति रूप में प्राप्त हुए। तो भगवान गीता में कहते हैं अंत काले च मामे यम यम माप स्मरण भावम ते अंत्ये कलेवरम, जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर त्यागेगा तम तम एवेति कौन ते सदा तद्भाव भाविता, उसी प्रकार के भाव से भावित होकर के उसी प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। तो जो सती थी तो उन्होंने अपना शरीर जब त्यागा तो इस भाव से त्यागा कि मुझे शिवजी जन्म जन्म में जो है पति रूप में प्राप्त हों, मुझे जन्म जन्म में शिवजी ही पति रूप में प्राप्त हों। तो उनको जो है फिर इस प्रकार का जो है जन्म प्राप्त हुआ, है ना। तो ये परम वैष्णवी है, ये जो है लक्षण होता है वैष्णव का कि अगर कोई किसी वैष्णव का अपराध करे हैं तो फिर उसके लिए कठोर कदम उठाए जाए। तो इन्होंने जो है कठोर कदम उठाया, हैं, जो दक्ष था तो उसने यज्ञ किया था तो शिव जी का अपमान करने के लिए ही यज्ञ किया था, उस यज्ञ में भगवान को प्रसन्न करने का भाव था ही नहीं कि मैं किस लिए यज्ञ कर रहा हूँ, शिव जी को अपमानित करने के लिए, क्यों, तो पहले से ही प्लानिंग बनाई थी
कि सबको बुलाऊंगा, इनको नहीं बुलाऊंगा, तो इस प्रकार से उनको कष्ट पहुंचाऊंगा, उनको अपमानित करूंगा। तो शिव जी को अपमानित करने के लिए ही यज्ञ किया था केवल, और दिखावा है यज्ञ करने का कि देख यज्ञ कर रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और सब लोग आ रहे हैं, अरे भाई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। लेकिन कोई नहीं जानता है कि उस यज्ञ का उद्देश्य क्या था, शिव जी को अपमानित करने का। तो पहले शिव जी का अपमान किया था, अपनी वाणी से अपमान किया था, तो शिव जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया और सहन किया, तो शिव जी कुछ बोले ही नहीं और सभा से उठ के चले गए। तो वाणी से अपमान किया, और अब इस बार कर रहा है मन के द्वारा अपमान। तो मन के द्वारा अपमान करना है, ये सम्मान नहीं करेंगे तो, और सबके बीच में जब सम्मान नहीं होगा तो इस प्रकार से अपमान होगा। और शिव और सती जो है, जब इसकी मनोभावना समझ गई कि मेरे पिता की इतनी गंदी मनोभावना है और इसी के शरीर से मेरा शरीर बना है, तो मेरा शरीर भी गंदा हो गया, तो अपने शरीर को गंदा मान के कि ये मेरा शरीर जो है ये बहुत अशुद्ध है, हाँ, तो शरीर को त्याग दी, है ना। और सबके सामने जो है दक्ष की निंदा भी की, अपने पिता की ही निंदा की, है ना। तो इतना भी जो है मतलब कोई हो सकता है कि अपने पिता की निंदा करे और अपने पिता से मिला हुआ शरीर को जो है उसी के सामने छोड़ दे, कि मुझे ये शरीर तुमसे मिला है, मैं इसको छोड़ती हूँ, मुझे तुम्हारा तुमसे ये शरीर नहीं चाहिए, तुमसे जो मिला हुआ शरीर है ये मुझे नहीं चाहिए, ऐसा है ना। तो इसमें कितना आत्म साक्षात्कार है, आत्म साक्षात्कार इतना है, कि शरीर जो है मुझे तुमसे मिला, जैसे कपड़ा है ना, तो कपड़ा आपने दिया मुझे, है ना, आप अपराध कर रहे हैं किसी वैष्णव का, तो आपने कपड़ा दिया, मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा, तो शरीर वस्त्र है, शरीर वस्त्र ही है, तो आप वस्त्र उतार के फेंक देते हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आपने कपड़ा दिया है, ये आप ही जो है अपराध करते हैं। तो इसी प्रकार से कि ये शरीर रूपी वस्त्र ये दक्ष ने दिया है मुझे, और यही दक्ष जो है मेरे पति का अपराध करता है। तो पति का संबंध जो है जन्म जन्म के लिए उन्होंने मांगा, और पिता का संबंध हमेशा के लिए त्याग दिया, कि अब पिता से कोई संबंध नहीं, पिता का त्याग किया पति के कारण, बहुत ऊंची स्थिति है ना। तो ऐसे जो चरित्र हैं इनके, तो इन चरित्रों से हमें बहुत जो है शिक्षा प्राप्त होती है, और बहुत बल प्राप्त होता है, और बड़ी अनुभूति प्राप्त होती है, बड़ी गहरी अनुभूति प्राप्त होती है, कि हम जो शरीर नहीं है, और शरीर से हमको जो है कुछ लाभ उठाना है, ये शरीर जो है हमें लाभ उठाने के लिए मिला है, मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, तो इससे जो है मतलब बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है। तो ये जो चरित्र है श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में बहुत विस्तार से, और प्रभुपाद भी जो है तात्पर्य में जो है विस्तार से जो सती की भावना है उसका वर्णन करते हैं, है ना। तो इससे बहुत शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें जो है हमेशा जन्म जन्म हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वैष्णवों का संग प्राप्त हो, जन्मे जन्मे यही अभिलाष है ना। तादेरा चरण सेवी भक्त सने बास, जन्मे जन्मे होए यही अभिलाष है, तो भक्तों भक्त सने बास। तो जैसे सती जो है चाहती हैं कि हमेशा शिव जी बड़े भक्त हैं तो उनके के साथ ही उनको निवास प्राप्त हो, और पिता का जो है त्याग कर दिया, ये पिता जो है द्वेष करता है मेरे पति से, तो पिता का मैं त्याग करती हूँ, दूर से छूते नहीं, पैर नहीं छूते, है ना। तो इस प्रकार से इस प्रकार से उन्होंने त्यागा, है ना। तो मतलब बहुत बड़ी जो है शिक्षा, बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है, कि ऐसे नहीं कि भाई आप साधु हैं तो हमेशा शांत ही रहेंगे, आप कभी क्रोध ही नहीं करेंगे,
यहाँ सती ने क्रोध किया है और दक्ष शांत था, तो ऐसे लगता है कि भाई सती क्रोध कर रही हूँ, दक्ष शांत बैठा है, लेकिन वो अपराधी जो शांत बैठा है वो अपराधी है, और जो क्रोध कर रही हैं वो जो है साधु साधु है। तो ये इस प्रकार से भी जो है कई बार जो क्रोध करना है तो वो जो है भगवान को प्रसन्न हो करता है। आप कभी ऐसा भी क्रोध करते हैं कि भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, है ना। अगर आप क्रोध नहीं करते हैं तो आप भगवान से दूरी बनाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो क्रोध जो है कभी कभी बहुत उचित होता है, क्रोध करना उचित होता है, और सती ने क्रोध किया, है ना। तो इस तरह से इनके जो है चरित्र हैं, इसलिए इनको कहा जाता है वैष्णव देवी, वैष्णव देवी। तो लोग तो ज़्यादा जानते नहीं वैष्णो देवी, वैष्णो देवी दर्शन करेंगे वैष्णो देवी तो भौतिक कामना चाहते हैं, लेकिन वो वैष्णो देवी हैं तो वो भौतिक कामना नहीं, वो तो जो है भगवान की भक्ति देने वाली, ये देवी जो है भगवान की भक्ति देने वाली। तो अगर हम भक्ति मांगें तो ब्रज की कन्याओं ने उनसे कृष्ण मांगा, पति रूप में कृष्ण को मांगा। तो इस प्रकार से अगर हम जो है इनसे प्रार्थना करते हैं तो हमें आज के दिन प्रार्थना करनी चाहिए इनसे कि हमें कृष्ण की भक्ति प्रदान करिए, है ना। किसी भक्त ने प्रार्थना की कि श्रृणु मातुर महामाए महा विश्व बीज स्वरूपिणी हरि नाम नो महामाए क्रमम वद सुरेश्वरी। सुनो हे माता, सुनो सुनो मातर, हे माता सुनो, महामाया हे महामाया विश्व बीज स्वरूपिणी, आप तो विश्व की बीज स्वरूपिणी हैं, हरि नाम नो महामाए क्रमम वद सुरेश्वरी, आप हरि नाम को क्रम से बताइए। तो उस भक्त ने जो है माता से क्या मांगा कि हरि नाम को क्रम से बताइए। तो हरि नाम का क्रम क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दुर्गा ही माता जो है हरि नाम का क्रम बताती हैं, 16 नाम इसी प्रकार से बताती हैं, है ना। और फिर वो कहते हैं कि हरि नाम ना बिना पुत्र दीक्षा चा विफला भवेत। अगर हरि नाम का आप जप नहीं करते हैं तो दीक्षा बेकार है, दीक्षा विफल हो जाएगी, कोई भी दीक्षा जो है सफल नहीं हो सकती हरि नाम के बिना। तो दुर्गा देवी ही बताती हैं, वो गुरु हैं, माता भी हैं, और माता ही गुरु होती है। तो दुर्गा देवी माता हैं और वो गुरु भी हैं। तो इस प्रकार से हमें आज के दिन दुर्गा देवी से, दुर्गा माता से हमें जो है वो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और भक्ति प्राप्त करना चाहिए, तो वो सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा गौनताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।